के बाद एक और सीट की बात करूं तो उसका नाम बांसवाड़ा है, जहां राजकुमार रोत ने जीत दर्ज की है। एक लड़का 26-27 साल की उम्र में विधानसभा पहुंचता है, अपने लोगों के हक और हकूक की तबीयत से बात करता है, पार्टी उसे निकाल देती है तो वो अपनी पार्टी बनाते हैं मिलके, वापस जीत के आते हैं 3 विधानसभा सीटें, राजस्थान की विधानसभा में तीसरा सबसे बड़ा दल, और अब सीटें 4 हो जाए अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि बागीदोरा भी वो जीत चुके हैं। राजकुमार रोत अभी भी 4-6 महीने विधायक रह सकते हैं सांसद रहने के साथ। राजकुमार रोत पहली बार के भारत आदिवासी पार्टी बनती है और पहली बार में गठबंधन करने में सफल होते हैं और पहली बार में संसद पहुंचते हैं। राजकुमार रोत जो कि आदिवासियों के हक और हकों, आप उनकी आइडियोलॉजी से सहमत असहमत हो सकते हैं लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। एक ऐसा लड़का 25-26 साल का लड़का जो कि बात करता है अपने अंदाज में, जल जंगल जमीन की बात करता है, संसद पहुंचता है, जनता भरपूर प्यार लुटाती है। किसके अगेंस्ट? महेंद्रजीत मालवीय के अगेंस्ट। महेंद्रजीत मालवीय जो कि वही चौबे जी छब्बे जी बनने गए और दुबे जी होके भी नहीं लौटे, वो जो कि कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के मेंबर थे, प्रतिपक्ष नेता नहीं बनाए जाने से इतने नाराज हुए कि भाजपा में चले गए, कहा कि राम जी के दर्शन करने नहीं जाने दिए। जनता ने कहा भरपूर दर्शन कीजिए, आप ना विधायक हैं ना सांसद हैं। ये बांसवाड़ा का ट्विस्ट रहा है। सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा ने क्लियर मैंडेट दिया है, भाई हमारा नेता राजकुमार रोत है, नया लड़का है, कोई बात नहीं सीख जाएगा, लेकिन बोलेगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में उनके सामने। तो अब बहुत लंबे अरसे बाद कोई आदिवासी ऐसा नेता राजस्थान से जाएगा जिनकी आवाज़ गूंजेगी। मैंने एक विश्लेषण में पहले कहा था, कुछ लोगों के नाम मैंने गिनाए थे जिसमें अमरा राम, जिसमें राजकुमार रोत, जिसमें प्रताप सिंह खाचरियावास, जिसमें पीपी चौधरी, जिसमें प्रहलाद गुंजल, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी, जिसमें राहुल कसवां और जिसमें हनुमान बेनीवाल का नाम मैंने लिया था कि ये लोग अगर संसद पहुंचे तो राजस्थान इस बार अलग तरीके से संसद में गूंजेगा। राव राजेंद्र सिंह पहुंच रहे हैं विधायी कार्यों को अपने तरीके से, हालांकि उनकी टक्कर गजब है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन विधायी चीजों को एक तरीके से प्रेजेंटेबल बनाने की जो कला उनमें है, सोशल इश्यूज को, लीगल इश्यूज को एक तरीके से प्रेजेंट करने की कला राव राजेंद्र सिंह में, लेकिन वो अगर सत्ता के साथ रहते हैं तो किस तरह परफॉर्म करते हैं देखने वाली बात होगी। पीपी चौधरी विधायी कार्यों के, लेजिस्लेशन के भी गजब के जानकार, एडवोकेसी के भी गजब के जानकार। प्रहलाद गुंजल एग्रेसिव लेकिन मुश्किल है उनका पहुंच पाना। हनुमान बेनीवाल पहुंच रहे हैं जिन्होंने पिछली बार संसद गर्म रखी थी। राहुल कसवां पहुंच रहे हैं इस बार भाजपा के उस एंगल की बजाय, उनका एग्रेसिवनेस चुनाव में दिखा और वो अगर संसद में दिखता है तो अलग तरीके से दिखेगा। राजकुमार रोत है ही तो ये नेता, अमरा राम सीपीआईएम के बड़े नेता, ये नेता अगर संसद में, तो कुल मिला के राजकुमार रोत का जीतना एक बड़ी बात है। उदयपुर सीट पे बात करें, कलेक्टर रहे ताराचंद मीणा, आरटीओ से पार नहीं पा सके।